नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। कल नव चेतना जागृति संघ के अध्यक्ष बच्चू सिंह बोध ग्वालियर में 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान हुई हिंसा में ग्वालियर जेल में बंद लाखन सिंह बोध से मिलने पहुंचे। हम आपको बता दें कि SC ST अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसके विरोध में SC के सामाजिक संगठनों द्वारा 2 अप्रैल को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें 2 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें लगभग 7 से अधिक लोगों की मौत हुई और कुछ लोग घायल भी हुए। ग्वालियर चंबल अंचल में विरोध के दौरान हुई उपद्रव में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी। पुलिस का कहना है कि उपद्रव में पूछताछ के बाद मुख्य रूप से आरोपी लाखन सिंह को ही बताया गया है, जिसके बाद पुलिस ने लाखन सिंह पर 33 मुकदमे दर्ज किए। उपद्रव में 94वां दिन बाद सुबह 6 बजे ग्वालियर क्राइम ब्रांच की टीम ने लाखन सिंह को आगरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहीं जेल में मिलने पहुंचे बच्चू सिंह बोध ने बताया कि सम्यक समाज संघ के राष्ट्रीय लाखन सिंह बहुत लंबे समय से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहा था। वह शांतिपूर्वक ढंग से मार्च कर लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहा था। विकलांग व्यक्ति लाखन सिंह को षड्यंत्र के तहत ग्वालियर के सेंट्रल जेल में संगीन धाराओं में बंद कराया। लाखन सिंह बहुत जो पैरों से विकलांग है, क्या कभी विकलांग व्यक्ति किसी की हत्या कर सकता है या किसी पर उत्पीड़न कर सकता है? वह केवल अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सत्ता के लालची लोगों का विरोध करता था, जिसकी वजह से उसे राजनीति के तहत सजा दी जा रही है। विकलांग को ऐसी सजा देकर सरकार क्या दर्शाना चाहती है? नव चेतना जागृति संघ इस मुश्किल घड़ी में लाखन सिंह बोध के हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए ग्वालियर से राजवीर सिंह डंडोतिया की खास रिपोर्ट। श्री लाखन सिंह बोध जी से मिला और मैंने महसूस किया, उन्होंने जब मुझे बताया कि SC ST एक्ट की 2 तारीख के बंद में उनको निर्दोष को कई संगीन धाराओं में बंद कर दिया गया है और वो काफ़ी पीड़ित हैं वहाँ पर, क्योंकि वो खुद ही पैरों से विकलांग हैं और समाज के लिए इतना योगदान और इतना कर्मठ साथी जो काम कर रहे हैं वो, मैंने उनके लिए संगठन से और पूरे सभी साथियों के सहयोग से मैंने उन्हें वचन दिया है कि हमें जल्द से जल्द उन्हें बाहर लाएंगे। मेरे साथ बच्चू सिंह बहुत नवचेतना संस्था से हैं और हम ग्वालियर जेल में लाखन सिंह बोध जी से मिले थे, जो 2 अप्रैल के बंद में एक तरीके से विकलांग हैं और समाज के लिए बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आज हम उनसे मुलाई करके आए तो हमारे जो अंदर आशा थी वो जागी और हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने का प्रयास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजातरीन खबरों से अपडेट रहें।